अपना नया आधार कार्ड कैसे डाउनलोड करें वो भी अपने मोबाइल से। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्रोम एप्लीकेशन ओपन करना पड़ेगा। तो जैसे मैं क्रोम एप्लीकेशन ओपन करता हूँ तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। तो आपको यहाँ सर्च करना पड़ेगा सरकारी रिजल्ट। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरा यहाँ पर पहले से ही सर्च हो रखा है। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा देखिए आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। तो आप जैसे यहाँ पर जाएंगे सरकारी रिजल्ट, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए वीडियो पूरा देखेंगे तभी आप समझ पाओगे कि किस तरह से हम अपना न्यू आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या अपडेट आया है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो देखिए आप जैसे ही मोबाइल की स्क्रीन को स्क्रॉल करेंगे तो सबसे नीचे मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ आपको। दोस्तों देखिए ये यहाँ आपको दिखेगा क्या, ये सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन। तो इसमें आपको एक ऑप्शन मिलेगा आधार कार्ड डाउनलोड, ठीक है, अपॉइंटमेंट बुक, यहाँ से आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस दिखाई देगा। तो अपनी मोबाइल की स्क्रीन को थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड ई आधार कार्ड और क्लिक ईयर। जैसे आप सामने देखेंगे तो क्लिक ईयर वाला ऑप्शन आएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। तो देखिए इस तरह से थोड़ा सा प्रोसेस लेगा, उसके बाद इस तरह से आपको इंटरफेस दिखाई देगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर नीचे देख रहे हैं आपको कैप चाबी मिल गए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, आप अगर आपका नया बिल्कुल न्यू आधार कार्ड निकलना है तो आप आधार कार्ड पे ही क्लिक करके यहाँ से आधार कार्ड नंबर डाल के यहाँ आधार कार्ड नंबर डालेंगे तो ठीक है, यहाँ से आप नया आधार कार्ड निकाल सकते हैं। अगर आपने एनरोलमेंट नंबर से अगर अपना आधार कार्ड निकालेंगे तो आप एनरोलमेंट आईडी पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो जैसे मैं एनरोलमेंट पर क्लिक करता हूँ देखिए यही तो अपडेट होके आ जाए दोस्तों। पहले क्या था इसमें कुछ नहीं, सादा सिंपल था बिल्कुल। तो अब इसमें क्या अपडेट होके आया कि पहले इसमें अपना एनरोलमेंट नंबर डालेंगे, उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ, सॉरी जो बनाने वाली डेट होती है वो वाली डेट, और फिर टाइम, डेट और टाइम, इसमें सब कुछ डालना पड़ेगा। तो वो किस तरह से डालेंगे देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ डाल देता हूँ अपना एनरोलमेंट नंबर, ठीक है। ये तो होगा एनरोलमेंट नंबर, लेकिन अभी इसमें दिखा रहा है प्लीज़ एंटर वैलिड एनरोलमेंट आईडी, ठीक है। तो अभी मुझे क्या करना है, जो किस ईयर में यानी कौन से साल में आपका आधार कार्ड बना था वो साल डालेंगे, जैसे कि 2022 में बना था ये, और कौन से महीने में, उसके बाद महीना, पहले ईयर, फिर मंथ सिक्स, अब डालेंगे यहाँ पर डेट, किस डेट को, तो सोलर डेट। देखिए अब मैंने इतना डाल दिया, फिर भी इसमें अभी दिखा रहा है प्लीज़ एंटर वैलिड एनरोलमेंट आईडी। अब इसमें हमें क्या करना है, जो आपको एक रसीद यानी कि स्लिप मिलती है आधार कार्ड की, तो उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, ये आपका एनरोलमेंट नंबर मिल जाएगा, और उसी लाइन में सामने आपको डेट भी मिल जाएगी, और डेट के फिक्स बिल्कुल ठीक सामने आपको यहाँ पर टाइम भी मिल जाएगा। पर टाइम देखो मेरा होता है यहाँ पर 13:01:20 यानी 13:01:20। तो देखिए अब यहाँ पर कोई नोटिफिकेशन नहीं दिखा रहा है, ठीक है, अब मेरा यानी कि सब सही हो गया है। यहाँ पर आप डालेंगे अपना कैप्चा, जो आपको कैप्चा दिख रहा है ये वाला, तो इसको डालेंगे, ठीक है। यहाँ पर जैसे मैं कैप्चा डाल देता हूँ, ठीक है, जो सेम कैप्चा यानी जो सेम आपको यहाँ पर वर्ड दिख रहे हैं वो वर्ड आपको डालने पड़ेंगे, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर दिख रहा है आपको सेंड ओटीपी जाएंगे। तो जैसे आप सेंड ओटीपी करेंगे तो आपका एक अपने मोबाइल पे जो आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है उस नंबर पे, जिस नंबर से आपने अपना आधार कार्ड बनवाया है उस नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, और उस ओटीपी को अपने ओटीपी वाले ऑप्शन में डाल देंगे तो आपका आधार कार्ड डाउनलोड हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, वीडियो को अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल वाला आइकन दबाएं दोस्तों। थैंक यू सो मच।